हेलो दोस्तों, मेरा नाम शगुन चतुर्वेदी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक स्पॉट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अमेज़न बेसिक्स के 50 इंच ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग और रिव्यू बताई है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये हमारा ट्राईपॉड का बॉक्स, अमेज़न बेसिक्स का ये ट्राईपॉड है। जल्दी से इसे खोल लेते हैं। ये ब्रांडिंग दिख जाएगी अमेज़न बेसिक्स की। 50 इंच का ट्राईपॉड होने वाला है ये, और जो इसके लेग्स होंगे वो भी एल्यूमिनियम के बने होंगे। ये ट्राईपॉड हमारा, और बाकी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है ट्राईपॉड के बारे में, इसे साइड में रखते हैं। और ये ट्राईपॉड है, बैग इसके साथ साथ में हमें मिल जाता है। यहाँ से इसे कर लेते हैं ओपन। तो देखिए, ये रहा हमारा ट्राईपॉड। ये हमारा ट्राईपॉड इस तरह से ये ओपन हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे शॉट्स दिखाऊंगा जो इसके ओरिएंटेशन के साथ लिए गए हैं। ये इस ट्राईपॉड की सबसे छोटी पोजीशन देख सकते हैं आप। अगर हम हेड के स्क्रू को खोलें तो हम हेड की जो हाइट है उसे और काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इस ट्राईपॉड में हमें साइड एडजस्टमेंट के लिए तीन क्लिप दिए जाते हैं, तीन लॉक दिए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहला लॉक जो है उसे ओपन किया है, ये वाला, और दो लॉक हमारे पास नीचे हैं, एक ये और एक ये। पहला लॉक ओपन किया है जिससे जो ट्राईपॉड की हाइट है लगभग 2 या 2 से 2 और 2.5 फीट के बीच में हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड लॉक खोलने के बाद कैसी हाइट हमें मिलती है। अब मैंने इस ट्राईपॉड का जो है वो सेकेंड लॉक खोल दिया है। आप देख सकते हैं, ये पहला लॉक, ये दूसरा लॉक, और ये जो लॉक हमें अभी खोलना बाकी रह गया है। सबसे अच्छा फीचर इस ट्राईपॉड का ये है कि इसमें आपको एक ओरिएंटेशन के लिए बबल दिया गया है। देख सकते हैं वो मूव हो रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो कैमरा सेटअप है वो एक हॉरिजॉन्टली एक सही पोजीशन में है कि नहीं। ये देखिए, तो चलिए अब देखते हैं कि आखिरी लॉक खोलने के बाद किस तरह की हाइट हमें मिलती है। अभी जो हाइट है वो लगभग 3 फीट से भी ऊपर की है। अब जो ट्राईपॉड है वो अपनी मैक्सिमम हाइट में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला लॉक, ये दूसरा लॉक और ये तीसरा लॉक, तीनों लॉक मैंने खोल दिए हैं, और ट्राईपॉड जो है मैक्सिमम हाइट पे है। और हाइट अगर देखी जाए तो लगभग 4 फीट या 4 से 4.5 फीट के बीच में होगी। और मैं दिखाऊं कि ऊपर आपको दिए हैं 3 स्क्रू, जो ये वाला स्क्रू है, वो जो ऊपर प्लेट है, देखिए ये जो प्लेट है ऊपर, इस प्लेट को हम हटा सकते हैं अगर हम ट्राईपॉड के ऊपर DSLR कैमरा माउंट करते हैं। और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि एक स्क्रू मिल जाता है जिसमें हम फोन होल्डर लगा सकते हैं। अगर आप फोन यूज करते हैं तो इसमें आप लगा सकते हैं फोन होल्डर, और अगर प्लेट को हटा दें तो हम फिर इसमें DSLR कैमरा लगा सकते हैं। ये स्क्रू को वापस लगा देते हैं अपनी जगह। इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो एक और स्क्रू है, ये वाला, जो इसकी ये वाली पोजीशन के लिए काम आता है। चलिए इसे लगा देते हैं। और जो तीसरा स्क्रू है वो अपने आप में ये हैंडल है, इसे अगर हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये हमें वर्टिकल मूवमेंट जो है प्रोवाइड करेगा ऐसे।
चलिए तो ये है हमारा ट्राइपॉड, आप देख सकते हैं मैक्सिमम हाइट पे है अभी। तो दोस्तों ट्राइपॉड काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, एल्यूमिनियम का यूज किया गया है इसे बनाने में, प्योर एल्यूमिनियम का यूज नहीं है, मतलब पीवीसी भी यूज किया गया है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जैसा कि प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि 2.5 से 3 kg तक का ये लोड कैरी कर सकता है, मतलब आप बड़े से बड़े कैमरे इस पे कैरी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर बेसिक यूज है फोन के साथ तो इसे यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर DSLR के साथ यूज करना हो तो ये फिर ज्यादा काम का नहीं साबित हो सकता, क्योंकि जो लेग्स हैं वो धीरे धीरे जो है थिन होते जाते हैं, जैसे कि हम हाइट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो लेग्स हैं वो पतले होते जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और DSLR के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि 2.5 से 3 kg तक का बड़ा वाला कैमरा भी यूज होता है जो इसके ऊपर हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो बस ये था ट्राइपॉड के बारे में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इनोवेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।